दिनों के यात्रा के बाद आज जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी आज शेखपुरा जिला आए हैं और शेखपुरा में कई स्थानीय कार्यक्रम में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है और कई ऐसे लोग जो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए थे फिर उनकी घर वापसी भी कराई है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, लगातार यात्रा का दौर आपका जारी है, आज शेखपुरा पहुंचे हैं, लगता है सर कि जो तमाम पुराने कार्यकर्ता थे जो समता पार्टी के समय के, वो कार्यकर्ता फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, जो पहले से जहाँ भी जो कार्यकर्ता थे, सबके मन में नीतीश जी के प्रति निष्ठा का भाव है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। हाँ, कहीं स्थानीय कारण से या और किसी कारण से, व्यक्तिगत कारण भी कहीं कहीं है, थोड़ी उदासीनता, थोड़ी सुस्ती कहीं कहीं कुछ लोगों के बीच जरूर दिखती है, लेकिन नीतीश कुमार जी के प्रति निष्ठा और पार्टी के प्रति आकर्षण उनके मन में आज भी है। स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों से एक बार बात करने के बाद एक्टिविटी उनकी फिर से शुरू हो जाती है, तो इस तरह के लोग तो मिलते ही हैं इस यात्रा के क्रम में। और जहाँ जहाँ उस तरह के लोग हैं, बाकी नए लोग भी हैं, पुराने लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, सबको एक साथ समाहित करके पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो वैसे लोगों से मुलाकात हो रही है। आगे भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो छूट गए हैं, जो साथ उनका नहीं रहा, वैसे लोगों को फिर पार्टी में शामिल आप कराएंगे, इस तरह की रणनीति भी बनेगी क्या? हाँ, निश्चित रूप से उस तरह के जो लोग भी हैं जहाँ जहाँ जिस इलाके में, सभी को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। और वैसे लोग खुद चाह भी रहे हैं, पार्टी में तो हैं ही, थोड़ी शिथिलता है, उदासीनता है, तो वैसे लोग फिर से चाह भी रहे हैं, तो सब लोगों को शामिल कराया जाएगा। कोविड को लेकर लगातार सर आप कार्यकर्ताओं को निर्देश भी कर रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता जो है, जो भी कोविड में जिनकी मृत्यु हुई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं, उनको सरकार का लाभ दिलवाएं, तो आपको लगता है सर कि सरकारी लाभ लेने में थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, अधिकारियों की थोड़ी सी उदासीनता जरूर दिख रही है इस जिले में भी? देखिए, ये तो विलम्ब का कारण है। अब कई परिवार ऐसा है, बिल्कुल अशिक्षित हैं, गरीब लोग हैं, मजदूरी करके परिवार चलाते थे, घर के मुखिया का डेथ हो गया, घर में अब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि कहाँ हम जाएं, कौन सी योजना का लाभ हमको मिलेगा, तो उनको जानकारी का भी अभाव है, तो स्वाभाविक रूप से कोई बगल का कोई आदमी जाकर उनका आंसू पोछे और इस प्रक्रिया में थोड़ी उनकी मदद करे तो थोड़ा जल्दी काम हो सकता है। तो विलम्ब का कारण कई है, जिसमें बड़ा कारण यह है कि खुद भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, और स्वाभाविक रूप से इस तरह की स्थिति जहाँ है वहाँ अधिकारियों को ही चाहिए कि उस घर तक जाएं, कार्यालय में बैठकर इंतजार करेंगे कोई हमारे यहाँ आवे वह भी ठीक है, जो उनके यहाँ जाएं उनका काम तो वो करें ही, लेकिन कोई उनके आसपास उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस तरह की स्थिति है, कहीं कोई घटना है, तो उनको खुद भी गाँव तक, घर तक जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से अभी लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको जाना चाहिए। कई लोग कागजात के साथ आपको आवेदन भी दे रहे हैं, तो लगता है कि थोड़ी सी स्थिरता जरूर है अधिकारियों के बीच में, पेंशन को लेकर या इंदिरावास को लेकर कई तरह की समस्या हमने भी देखा है, कई लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं, कागजात दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लगता है सर कि थोड़ी सी स्थिरता है अधिकारियों में? सब जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह तो इस तरह की स्थिरता दिखती है, शिकायत लोगों से आती है, और मैं समझता हूँ कि उनमें कुछ शिकायत तो सही शिकायत रहती है, तो वैसे अधिकारियों को भी अब सचेत होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी एकदम इस मामले में सजग हैं, तत्पर हैं, पूरी पार्टी हमारी तत्पर है, सरकार तत्पर है, और अधिकारी कोई बीच में गड़बड़ करे या तो कभी उस तरह के अधिकारी को इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती, तो उनको खुद करना चाहिए, कहीं कहीं है शिकायत इस तरह। सर, क्या तमाम जब जिलों की यात्राएं खत्म हो जाएगी तो एक ड्राफ्ट बनाकर आप मुख्यमंत्री जी को देंगे कि पार्टी नंबर वन कैसे बने, या अपना सुझाव पत्र भी कुछ देंगे क्या मुख्यमंत्री जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात बीच बीच में भी होते रहती है, ऐसा नहीं कि पूरे बिहार की यात्रा हम कर लेंगे तभी उनको फीडबैक मिलेगा, बीच में भी उनसे बात होते रहती है, मुलाकात भी होती है। बिल्कुल, देखिए बिहार में जेडीयू नंबर वन की पार्टी कैसे बने, इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार जिलों की यात्रा पे हैं, और प्रत्येक जिले की जो भी समस्याएं हैं या संगठन में क्या कुछ बदलाव करना है, संगठन के कौन लोग सक्रिय हैं, कौन लोग सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, वैसे लोगों की भी जानकारी जो है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी के पास जरूर आ रही है, और आने वाले समय में इसका एक ड्राफ्ट भी बनेगा, और उसके बाद सरकार के स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर हो, जो भी कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई जो है वो हो।